Assalamualaikum everyone. Here we discuss assignment number 3, in which we take input from 5 students as their roll number and their marks, and finally display the roll number and the marks of the students with the highest marks. My name is Mariam Kose. My roll number is 18323. Class name is PS 6th Evening A. Course title Advanced Object Oriented Programming, and this assignment is submitted to Ma'am Lara Zafar. यहाँ पे एक हम कोड डिजाइन करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि हमने दो अरेज यूज करनी है, रोल नंबर और मार्क्स, और 5 नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट से हमें इन यूजर अरेज में डाटा स्टोर करवाना है, इनपुट करवाना है, और फाइनली क्या डिस्प्ले करना है कि किस मार्क्स किस रोल नंबर के हाईएस्ट मार्क्स है। कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक स्कैनर क्लास के लिए हमने एक जावा डॉट यूटिल पैकेज इंपोर्ट करवाया, उसके बाद स्कैनर क्लास के लिए हमने ओबीजे माई ओबीजे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। स्कैनर क्लास किस लिए हम यूज़ करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे फिर हमने दो अरेज लेनी है, 5 लेंथ इनकी डिक्लेयर करवा दी है। ये डिक्लेयर करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें दो यूज फिर उसके बाद दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, डिक्लेयर करवाया क्या है कि मैक्सिमम में हमने माई जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो स्टोर करवाने हैं, और जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसका रोल नंबर एन वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। यूज़र को डिस्प्ले कराया कि इंटर रोल नंबर, इस लाइन के थ्रू हमने यूजर से इनपुट लिए और रोल नंबर 0 अरे इंडेक्स पे उसे स्टोर करवा दिया। उसके बाद फिर यूज़र को डिस्प्ले करवाया कि इंटर मार्क्स, इस लाइन के थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेंगे और मार्क्स 0 इंडेक्स पे उस रोल मार्क्स को इनपुट करवा स्टोर करवा देंगे। फिर इस 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हम मैक्स में वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। फिर 0 इंडेक्स रोल नंबर पर जो वैल्यू होगी वो एन स्टोर करवा देंगे। 5 टाइम्स यूजर से इनपुट लेने हैं, उसके लिए फिर हमने एक लूप लगा दी है, 0 से 1 से लेके लेस देन 5 तक ये लूप चलेगी। यूजर से 4 टाइम्स हम यूजर से इनपुट लेंगे, उसके बाद फिर हाईएस्ट मार्क्स को हम फाइंड आउट करने के लिए ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर आई इंडेक्स पे जो वेरिएबल है वो वैल्यू वो इससे प्रीवियस वाले से ग्रेटर होगी, तो फिर क्या होगा कि मैक्स वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगी, और उसी इंडेक्स के क्रॉसपॉन्ड जो रोल नंबर होगा वो एन में स्टोर हो जाएगा, और लास्ट पे हम इस वैल्यू के थ्रू क्या इस को डिस्प्ले करवा देंगे हाईएस्ट मार्क्स और उस रोल नंबर को। हम रन करवा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। फर्स्ट रोल नंबर है उसके मार्क्स, फिर सेकेंड रोल नंबर उसके मार्क्स, फिर थर्ड है फिर उसके मार्क्स, फिर फोर्थ है फिर उसके मार्क्स, फिर फिफ्थ है फिर उसके मार्क्स। ले जी द हाईएस्ट द स्टूडेंट्स विद द हाईएस्ट मार्क्स रोल नंबर 5 56। दैट्स इट।